होमवर्क हो गया? मेरा तो हो गया, इतना बताना ही नहीं। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। देश भर में लोग आवाज बुलंद कर रहे थे चीन के ऐप्स पर, जिनका इस्तेमाल भारी तादाद में हिंदुस्तान में होता है। उनमें से सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। चीन के साथ जो खूनी झड़प 15 जून। अरे टिकटॉक बंद हो गया, अब मैं क्या करूँगी? मेरे लाखों फॉलोअर्स और ये वीडियोस का क्या करूँगी? मैं तो पहले ही कहती थी कि टिकटॉक चाइना का ऐप है। अपने घर पे कोई चाइना की चीज ज्यादा दिन टिकती है जो तेरा टिकटॉक टिकने वाला था? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन ये वायरस कैसे टिक गया। अरे चिंकी, तुझे तो मजाक सूझ रहा था। तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी? ऐसे ही थोड़ी लाखों फॉलोवर्स बन गए थे। गलत जगह करेगी तो ऐसे ही होगा ना? हाँ पता है, तेरा तो यूट्यूब चैनल है ना, इसलिए। बात वो नहीं है चिंकी, बात अपने देश की है। जब हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे इतना बलिदान दे सकते हैं, तो क्या हम लोग टिकटॉक के बिना नहीं रह सकते? हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए। हाँ चिंकी, तेरी बात तो एकदम सही है। चाइना की दुकान को बंद करके हमें उसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सिर्फ चाइना के ऐप ही नहीं, हम चाइना की कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। और हाँ, हम लोग ज्यादातर मेड इन इंडिया वाली ही चीजें यूज करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आप भी इस नए भारत में आपका योगदान देंगे? तो फ्रेंड्स, हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे। भारत बनाएंगे। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। बाय, सी यू।